नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में भी हम एलोपैथिक फार्मासिस्ट और अदर पैरामेडिकल पोस्ट की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी एम्स देवघर के अंदर वैकेंसी आई है, एम्स भोपाल के अंतर्गत वैकेंसी आई है और उत्तर प्रदेश में भी जो है वो एक वैकेंसी आई हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा एम्स की तरह संचालित एक मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी के पैरामेडिकल पोस्ट पे बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। उससे पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और बहुत ही कम फीस में आप पूरे एक साल तक जो है आप इस कोर्स में तैयारी कर पाएंगे। तो आपको ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहां से जो है आप यहां पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इस नोटिफिकेशन को जो है वो हमने पहले यहां पर डाउनलोड कर रखा है और इस नोटिफिकेशन को हम यहां से प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने नोटिफिकेशन आ चुका है, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिख सके, ठीक है। तो ये आपका 17 अक्टूबर 2023 को जो है यहाँ पर ये आया हुआ है और अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टोर कीपर की वैकेंसी है, असिस्टेंट डाइटिशियन की वैकेंसी है, साथ में यहाँ पर रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, मेडिकल सोशल वर्कर की वैकेंसी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एलोपैथिक फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट की जो है वो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है और इसके लिए हमें नीचे चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है, टोटल जो है वो यहाँ पर 5 वैकेंसी निकली है, जिसमें से कि 2 आपके यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 2 एसटी के लिए है और एक जो है वो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के जो पोस्ट है उसके लिए जो है वो यहाँ पर निकली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिखा गया है, बैचलर डिग्री आर इक्विवेलेंट इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्लोमा नहीं लिखा गया लेकिन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बैचलर डिग्री लिखा गया और उसके बाद इक्विवेलेंट लिखा गया, मतलब आप यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो यहाँ पर पास आउट्स हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में जो है वो आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 और जो एज है वो यहाँ पर 30 साल से जो है वो यहाँ पर अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको यहाँ पर एज में जो है वो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन हो गया, जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, तो यहाँ पे तमाम जो है वो यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। और हम यहाँ पे इसके फीस वगैरह के बारे में जो है वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है वो यहाँ पर फीस रखी गई है ₹500 और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स उनके लिए जो फीस है वो रखी गई है ₹250, ठीक है। तो ये जो है वो आपका यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दिया गया है और साथ में आपको यहाँ पर जो है एससी एसटी ओबीसी में जो है वो आपको यहाँ पर एज भी जो है वो यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी, रिलैक्सेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे नीचे चलते हैं और वेबसाइट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। तो आप इस वेबसाइट से जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये 3/11/2023 से जो है इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है और आज आपका 4 नवंबर है और आप इसके लिए 23 नवंबर तक जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी टॉपिक जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, फीस भी जो है वो यहाँ पर कम ही जो है वो यहाँ पर रखी गई है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिला दूँ कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं जिसका कि नाम है एम्स बैच। सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की जो है इस ऐप पर तैयारी कराई गई है। तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से जरूर से डाउनलोड कर ले। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।